हजारीबाग के करजन ग्राउंड में स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें देश के कई खिलाड़ी जो हैं शामिल हो रहे हैं। रांची की रहने वाली लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नेशनल में चैंपियनशिप भी हासिल किया है। कैसा अनुभव रहा जब आप चैंपियन बने थे? अच्छा था। कब से ये खेल पसंद हुआ आपको और कब से शुरुआत की, कैसे जाने इस खेल के बारे में ये बताइए। मेरी दीदी मतलब पहले आर्चरी करती थी, अभी भी करती है, तो उसको देख के मतलब मेडल जीतती थी तो हमको भी लगता था कि हम भी कुछ करेंगे। अच्छा, रांची में कहाँ रहती है? जोन्हा। जोन्हा में, तो जोन्हा तो बहुत साइड का इलाका है, तो वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ आना पड़ता है, कितना दूर? मेरा घर सामने है, तो वहीं पे प्रैक्टिस करने का है। तो ये बताइएगा, दीदी को देखकर ही ये चीज आपके मन में आया कि आपके पहले से भी लगता था कि हम कुछ और करें? नहीं, दीदी को ही देख के। दीदी बचपन से बस यही शौक रहा कि बस आर्चरी में जाना है, या कुछ और भी था? नहीं, आर्चरी था। आर्चरी ही था। हाँ। अभी पढ़ाई में मन लगता है? नहीं नहीं लगता, सिर्फ खेलने में। कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है इस खेल के लिए, एक दिन में कितने घंटे? 6-7। फिर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, सुबह का दिन का रूटीन कैसा होता है? सुबह में मतलब सब कोई हम लोग जाते हैं 5 बजे ग्राउंड फिजिकल के लिए, फिर 7 बजे घर आते हैं। उसके बाद मतलब जिसका स्कूल रहता है वो लोग 9 बजे स्कूल जाता है, और गेम रहता है तो फिर 9 बजे प्रैक्टिस, शाम तक प्रैक्टिस करते हैं। आगे कहाँ तक खेलने का एक सपना है जो हम वहाँ तक पहुँचे, उस खेल को हासिल करें? ओलंपिक। ओलंपिक। हाँ। आप किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको देखकर आपको लगता होगा कि इन्हीं की तरह हम भी शूट करें या फिर आगे बढ़ें? मेरी दीदी। दीदी का क्या नाम है? दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी। ये बताइएगा, हजारीबाग पहुंचकर कैसा लग रहा है, यहाँ का आयोजन, जो बच्चे आए हैं खेलने के लिए, उन सबसे मिलकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा आपके जो कोच हैं कौन सपोर्ट करते हैं? हाँ? अच्छे से कौन सिखाते हैं, कौन सा कोच सबसे ज्यादा फेवरेट है? रोहित सर। रोहित सर। अच्छा, ये बताइएगा, और कितने बच्चे हैं आसपास के जो आपके गाँव में है, वो भी इस खेल से जुड़ना चाहते हैं या फिर दूसरे दूसरे खेल से? सबका अलग अलग पसंद है। अलग अलग पसंद। हाँ। आप किसी को मोटिवेट करती हैं कि नहीं, आप भी आओ इधर उधर बच्चों खेल में ही अपना समय बिताओ? करते हैं जब मेरे से अच्छा से रहता है। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा गाड़ी चलाते हैं और मम्मी घर में रहती है। कितने भाई बहन है? दो। दो। तो ये खेल में भी तो खर्च काफी लगता है सीखने में। हाँ। तो फिर कैसे मैनेज होता? मम्मी लोन लेके पहले करती थी। अच्छा, लोन लेते। हाँ, अभी भी मतलब लोन लेती है, कर्ज के बाद ही ये चीज हो पाए। हाँ। तो देखिए, काफी मुश्किलों का सामना करते हुए खिलाड़ी जो हैं आगे बढ़ना चाहती हैं। इनके माँ पापा ने भी वही हिम्मत जुटाया, कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को एक सुंदर भविष्य देने का निर्णय लिया, और यही है कि नेशनल चैंपियनशिप बनकर अपने माँ पापा का तो नाम रोशन किया ही, साथ ही झारखंड का नाम भी देश दुनिया में रोशन किया। खुश होते हैं, उसी तरह कोच भी अपने खिलाड़ियों के कामयाबी पर बेहद ही खुश होते हैं। लक्ष्मी के कोच रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, ये बताइएगा, कितने खुश होते हैं जब बच्चे कामयाब होते हैं, और लक्ष्मी ने नेशनल चैंपियनशिप हासिल करके अपने क्षेत्र का और आपका भी नाम रोशन किया? सर, कोच का सर सबसे बड़ा सर खुशी तभी होता है सर, मेहनत कितनों भी करे उससे मतलब हम लोग को रिजल्ट तभी मिलता है जब बच्चे नेशनल में जाते हैं और हमारे झारखंड के लिए मेडल जीतते हैं, तो उस समय का जो क्षण होता है वो सबसे बेहद सुखद होता है और अच्छा होता है, क्योंकि उतना दिन का 4-5 साल का मेहनत बच्चे को करके मतलब मिट्टी से जो बोलते हैं ना, मिट्टी से घड़ा बनाने का काम जो करते हैं, जो कुम्हार, सेम सर हम लोग कुम्हार हो गए, जब बिकने के बाद जो पैसा आता है उसमें खुशी होता है आदमी, वैसे ही हम लोग हैं सर। बच्चा को स्टार्टिंग बेसिक से अपर लेवल तक लेके जाने का सर हम लोग काम करते हैं, बेसिक लेवल से, तो सर बहुत खुशी होता है। बच्चे जब मेडल जीतते हैं तो उससे बड़ा सर और खुशी के क्षण कुछ होता ही नहीं है सर। आर्थिक परेशानी भी काफ़ी होते हैं, गांव के बच्चों को बाहर लाना, फिर उन्हें तैयार करना, उनके पेरेंट्स को समझाना, फिर उनके इकोनॉमिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उनको कामयाबी हासिल करना, एक कहते हैं ना कंप्लीट वर्क है, कैसे मैनेज होता है, कैसे कन्विंस करते हैं? सर, सबसे पहले तो सर 2013 में हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट किए सर, हम लोग सुदेश सर एक छोटा मोटा डे बोर्डिंग सेंटर खोले थे पहले सर। 3 साल नॉर्मल चलने के बाद सर जब सरकार हम लोग का रिजल्ट देखा सर, हम लोग 1 साल में 56 नेशनल मेडल जीते सर हमारे सेंटर के बच्चे,
तो सर उसको देखते हुए झारखंड सरकार ने डेबोर्डिंग सेंटर खोला अपना गवर्नमेंट सेंटर। तो सर बच्चों को सर बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है सर। अब वहाँ के गार्जियन को मालूम ही रहता है सर तीरंदाजी होता क्या है। तो सर उसमें बच्चे जब अच्छा करते हैं तब, जैसे हमारे वहाँ से तीन तीन बच्चों का जॉब लग गया है, दीप्ति कुमारी इसकी दीदी जो है लक्ष्मी की, वो रेलवे में जॉब कर रही है, उससे पहले ITBP में करती थी, फिर उसको छोड़ के अभी रेलवे में जॉब कर रही है, एक लड़की अभी BSF में जॉब कर रही है, एक लड़का आर्मी में है। तो सर इसमें आदमी को सर फोकस अभी हो गया है कि हमारा घर का स्थिति जो बहुत, आप गाँव में सर जानते होंगे आदमी को दो टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता है सर। सब ज़्यादा लेबर फेमस आते हैं जो रांची काम करने आते हैं, फिर वही पैसा लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, जो जरूरत का सामान वो भी पूरा करते हैं। तो सर बच्चों को अभी अभी पेरेंट्स को अभी लग रहा है, पहले तो दिक्कत होता था समझाना बुझाना फिर कराना, अभी लग गया कि नहीं बच्चे यहाँ से भी अपना करियर बना सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। सर की पढ़ाई छोड़ना, पढ़ाई के साथ साथ हम पढ़ाई भी 10 साल करें, अगर खेल भी 10 साल करें सर, तो ऑटोमेटिक है कि हमारा भविष्य कहीं, सर पढ़ाई करके सर आदमी बेरोजगार हो सकता है लेकिन खिलाड़ी बनकर सर बेरोजगार नहीं हो सकता है आदमी, मेरा जहाँ तक सोच है। क्योंकि सर हम अभी तक तो 10 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें से हम 10 से ज़्यादा नेशनल मेडलिस्ट हैं सर। इंटरनेशनल अभी कोलंबिया गई थी दीप्ति कुमारी, वो है। तो सर बहुत अच्छे बच्चों का रिजल्ट के अनुसार पेरेंट्स ऑटोमेटिक कन्वेंस हो जाते हैं सर, अगर नेगेटिव भी है तो वो भी पॉजिटिव में हो जाते हैं। हाँ, झारखंड में भी कई जगहों पर हमने देखा कि जब बच्चियां घर से निकलती हैं तो लोग ताना देते थे। फुटबॉल की ही एक स्टोरी हमने और माझी में किया था, तो कांच के टुकड़े फेंक दिया करते थे। कई बाधाओं को दूर कर बच्चियां घर से निकली और उसके बाद कामयाबी हासिल की। तो क्या लगता है कि इन बेटी की सफलताओं के बाद सब कुछ पीछे छूट रहा है और लोग अब समाज जो है जागरूक हो रहा है? सर समाज अब बाकी सर जागरूक बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले सर जब हम लोग स्टार्ट किए थे सेंटर तो उसमें गिने चुने बच्चे थे सर। अभी गवर्नमेंट से मेरे पास 40 बच्चे रखने का था, लेकिन हम 72 बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं हर दिन, सुबह से शाम, सुबह टाइम फिजिकल और शाम टाइम में मेन प्रैक्टिस कराते हैं। भाई 72 बच्चे मेरे पास है सर, जागरूक हुए तभी सर अभी बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि अभी पेरेंट्स खुद लेके आते हैं, खुद लेके जाते हैं, कुछ ऐसे भी जागरूक हो गए हैं सर। बहुत ही अच्छा लगता है आजकल सर कि पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं और पढ़ाई के साथ सर खेल में भी भेज रहे हैं, तो बहुत ही अब झारखंड का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो सर हमारे झारखंड के बच्चे ऑटोमेटिक टैलेंटेड हैं सर, मेडल पक्का लेके आएंगे। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।